आज सर मुझे इस हाउस को बताते हुए आधार का अभिनंदन करना है कि लगभग 2.5 करोड़ ऑथेंटिकेशन रोज होता है, 123 करोड़ आधार है, सब इंडिया की बनी मशीनरी है सर, और बिल्कुल सेफ सिक्योर है, वो कभी नहीं निकल सकती। कोई ब्रिलियंट भी कोशिश करेगा तो नहीं निकल सकती, सिर्फ दो कारण से निकल सकती है सर, अगर राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में करना जरूरी हो तो निकल सकती है सर। उसके लिए पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी को सर्टिफाई करना था, अब सेक्रेटरी को सर्टिफाई करना है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, हम वो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। दूसरी बात क्या है, अगर कोई कोर्ट का आदेश होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज था, अब उसको हाई कोर्ट करने जा रहे हैं। और आज सर सदन में मैं देश का आईटी मंत्री हूं, देश का संचार मंत्री हूं, देश का कानून मंत्री हूं। अगर मैं भी किसी को निर्देश दूं कि किसी का कोर बायोमेट्रिक्स रिलीज करो तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और मुझे 3 साल की सजा हो सकती है। यह कानून बनाया है। हम लोगों ने कितने सेव किए, लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए सेव किए सर, 154 स्कीम में, 275 स्कीम में सर 7.48 लाख करोड़ रुपया भेजा डीबीटी में, 1,43,000 करोड़ रुपया सेव किया सर। और सर ने थोड़ा और डाटा लिया है सर, वो डेटा और भी रोचक है सर। वो डेटा क्या है सर कि हम लोगों ने राशन कार्ड, हम लोगों ने एलपीजी, जिस तरह से 4.23 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस को रिमूव किया जो फर्जी थे, वो आधार के कारण किया। 2.98 करोड़ राशन कार्ड रिमूव किया जो फर्जी थे, आधार से पकड़े गए। सर एक बताइए सर मुझे, जो 1,40,000 करोड़ रुपया बचा, ये तो टैक्स पेयर का पैसा था ना, गरीबों का भी पैसा था, तो क्या उससे खुशी नहीं होती है क्या? मनरेगा पेमेंट में अच्छा किया माननीय गिरिराज ने याद कराया। हम लोग सभी जानते हैं गांव में लोगों को, सही मजदूरों को पैसा नहीं मिलता था और फर्जी रजिस्टर बनता था, आज उनके अकाउंट में पैसा आता है तो खुशी होती है। हाँ सर, हमको मालूम है जब देश ईमानदार होता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, और हम चाहते हैं वो परेशान हो। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करेगी, और आज आधार ईमानदारी का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है।